नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और हमने एक नई मुहिम शुरू की है। जिस तरह से बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं तो किसी के चेहरे पे खुशियां हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बार सफलता की नई नई इमारतें भी लिखी है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सिराज कोचिंग सेंटर में और यहाँ की एक बच्ची ने जो है बहुत अच्छा किया है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि हमने एक नई मुहिम शुरू की है, गुदड़ी के लाल करे कमाल, जहाँ पे संसाधनों का अभाव है, जहाँ पे संसाधन कम है, अगर वहाँ के बच्चे कुछ बेहतर रिजल्ट लाते हैं तो हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी बातों को जो है पूरी दुनिया तक दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। माय नेम इज गुंजा कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है सिराज कोचिंग सेंटर कब ज्वाइन किया था? अक्टूबर में किए थे। कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं आपके, कितने नंबर हैं और क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ी इसको लाने के लिए? इसको लाने के लिए बहुत हम मेहनत किए हैं, बहुत कड़ी मेहनत किए ताकि हम मेरे माँ पापा का आशीर्वाद आई, नाम रोशन हो, ताकि एक हर हमको आदमी बड़ाई करे, दोस्त सहेली मास्टर टीचर सब हमको ऊंचा सम्मान से देखे और कहे। और बहुत मेहनत किए हम, अपने काम भी पूरे करते थे घर में, हर काम कर हर तपस्या कर सुबह उठ कर मेहनत कर पढ़ते थे ताकि हमको आगे बढ़ना है और आगे कुछ कर दिखाना है। कुछ ठान लिया तो जो है पूरी कायनात भी मिल जाती है आपको वो चीज़ दिलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कितना मेहनत करते थे आप और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सुबह में तो 3 बजे उठते थे, 3 बजे से 3 घंटा पढ़ते थे, फिर 6 बजे 7 बजे कोचिंग जाते थे, कोचिंग से आते थे, फिर वहाँ से अपना जो घर का काम हुआ कर फिर 12-1 बजे बैठते थे, फिर 2-3 घंटा पहर कर, फिर उसके बाद अपना जो घर का काम हो वो करते थे, फिर रात में पढ़ते थे 2-3 घंटा, उसके बाद फिर सो जाते थे। अब रिवीजन कितना ज़रूरी होता है, जब अंतिम दिनों में बोर्ड्स के डेट जब अनाउंस हो जाते हैं तो बच्चों को रिवाइज करना कितना ज़रूरी होता है, जो भी उसने पढ़ाई की है उसके बारे में बार बार उसको देखना, मैथ्स में कितना प्रैक्टिस करना है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत, जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो बहुत मन करता है कि हर क्वेश्चन देखें ताकि हम मेरा क्वेश्चन नहीं छूट जाए एग्जाम में, हर क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं, बारी बारी से एक दूसरे से पूछते हैं ताकि हम मेरा क्वेश्चन ना छूट जाए, तरह तरह का हम बुक को किताब को यूज करते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो बाद में, और हर चीज़ बहुत तपस्या करते हैं, दिन रात एक कर पढ़ते हैं। बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा किया, अक्टूबर में सिराज कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया, उसके बाद जो है आपका एग्जाम हुआ, इतने अच्छे आपने नंबर लाए, क्या कहना चाहेंगे जो भी यहाँ पे छात्र हैं, आपकी सफलता का जो मुख्य राज क्या है, मतलब मुख्य राज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस क्या है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कि आपके जैसा वो बन सकें, आपके जैसा नंबर, आपके इतना नंबर ला सकें, उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? उनको भी कहते हैं कि कोई भी अगर कठिनाई हो तो कठिनाई को पार कर अच्छा से पढ़े, हर तपस्या को आगे कर पढ़े ताकि हमको दिक्कत ना हो आगे चल कर। बच्चा लोग से यही कहना चाहते हैं, स्टूडेंट सबसे, कि तुम लोग भी हर कोशिश कर, हर कठिनाई अगर पैसा की स्थिति हो तो किसी तरह आगे पढ़ना, कभी नहीं रुकना चाहिए किसी को, और हम बहुत आगे कर अपना मेहनत कर पढ़े और आगे भी हम कुछ करना चाहते हैं और आगे भी हम मेहनत से पढ़ कर कुछ आगे लाइफ में। आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए, अब किस तरह क्या बनना चाहते हैं? हमें टीचर बनना पसंद है ताकि हम एक दूसरे बच्चे को एक दूसरे ज्ञान दे सके और अच्छा टीचर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से गुंजा ने बताया कि पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, और अगर पढ़ के अगर कोई आगे बढ़ता है तो कहा जाता है कि एडुकेशन इज अ सिस्टम विच कट्स द बैरियर ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद को खत्म करती है शिक्षा, अमीरी गरीबी के भेदभाव को खत्म करती है शिक्षा, और शिक्षा किसी तरह से अलग जगा रहे हैं सिराज कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर चंदन सर जी, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है बच्चों के पीछे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संसाधन की कितनी कमी है। पीरपैंती में 12-8 एक जगह है, बहुत ही छोटा जगह है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम जो है अंकित करा रहे हैं, सफलता की नई नई पहचान बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और सिराज कोचिंग सेंटर में एक और स्टूडेंट से बात करेंगे जिन्होंने काफी अच्छा किया है। क्या नाम हुआ आपका? संजना। संजना, ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई जो है एक लड़की होने के नाते कितना ज़रूरी हो जाता है, और आजकल जिस तरह से गार्जियन लड़कियों की शिक्षा पे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आपने इतने अच्छे नंबर लाए हैं यहाँ पे 12वीं के एग्ज़ाम में, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये मुमकिन हुआ? मेरा घर गाँव में है, वहाँ कोई चीज़ का स्कूल का सुविधा नहीं है,
इसलिए हम नानी घर में रह के पढ़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं। बहुत मेहनत किए हैं आप। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से बच्चे आज पढ़ते हैं, ये देख सकते हैं कितना पीछे जो हम दिखाना भी चाहेंगे, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं एडुकेशन के लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कितना मुश्किल होता है जहाँ पे संसाधनों का अभाव होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है, बड़े बड़े स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे बच्चे जब अच्छा करते हैं तो फिर कितना मुश्किल होता है करना? बहुत मुश्किल होता है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 8-9 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा जब पढ़ते थे तो घर में बोला भी जाता होगा चलो ये काम कर लो, हाँ। तो क्या करते थे? पढ़ाई उस वहीं पर रख देते थे, फिर जाते थे झाड़ू उड़ू करके, हाँ, खाना वाना बना के फिर अगेन पढ़ाई पे आ जाते थे वापस, हाँ, फिर पढ़ाई। तो देखिए इनकी सफलता की जो कहानी है, इन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत करके जो है इंसान अपना जो है स्कोर अच्छा कर सकता है बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम्स में। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर के काम को आप त्याग दें, छोड़ दें, जो घर वाले कहते हैं उनको भी फॉलो करना है, स्टडी को भी फॉलो करना है, और तभी जो है आप आगे बढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं? IPS बनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान करें कि IPS का जो एग्ज़ाम होता है आप पहली बार में ही निकालें। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितने भी समाज के लोग चाहते हैं कि आप इतना अच्छा कर रही हैं, आगे चल के आप IPS हों, और जब आप यहाँ पे आएँ तो हम फिर आपका इंटरव्यू करें, तब आप IPS होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के। चलिए अगले स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? टुंटुन, ये बताओ कि जिस तरीके से पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आप कितनी दूर से आते थे यहाँ पे पढ़ने? 5-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर डेली साइकिल चला के आते होंगे। कितनी बार आते थे आप? दो बार। तो 7×14 = 28 किलोमीटर डेली चलाते थे साइकिल, और उसके बाद मेहनत करते थे। तो देखो भैया संसाधन जहाँ पे कम होते हैं वहाँ के छात्र कितना मेहनत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सफलता का जो क्रेडिट होता है वो किसको देना चाहेंगे? माँ को। माँ के लिए जो है आपने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, तो घर में जो है सबसे ज्यादा जो है आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती थी कि पढ़ाई करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है? माँ से मिलती थी। कितना परसेंट मार्क्स लाए हैं, और आप कितनी मेहनत था इसके पीछे आपने किया था? 66% लाए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8 घंटे पढ़ाई करते। क्या कहना चाहेंगे अभी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि ये अच्छा कैसे कर सकते हैं? ये भी मेहनत करें, दिन रात पढ़ें, उससे अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू।